आरजेडी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बड़ा इम्तिहान है विपक्ष का, दिल्ली सर्विस बिल आ रहा है और लोकसभा में तो एक तरफा मामला था, लेकिन यहाँ पर मामला काफी, विपक्ष भी यहाँ पे मजबूत है, तो किस तरह से इस बिल को रोकने की रणनीति बनाई है आप लोग? ये इम्तिहान हमारा नहीं है, माफ करिए, संविधान का इम्तिहान है। आज आंकड़े अगर हमारे पक्ष में नहीं है, हम नहीं हारेंगे, संविधान की रवायतें हार जाएंगी। ये ऐसे क्षण आते हैं कभी कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जब आंकड़े आपके पास नहीं होते हैं, तर्क आपके पास होते हैं, सैद्धांतिक पक्ष आपके पास में होता है, संवैधानिक मूल्य आपके पास होते हैं। मैं समझता हूं आज उसी दृष्टिकोण से चर्चा होगी। ये नंबर मैनेज करना सत्ता पक्ष का काम है, उन्होंने उन लोगों को भी मैनेज किया जिन पर भी ये तलवार कभी गिर सकती है, और उनमें से एक ने कहा हमारे यहां मत लाना ये बिल, ये क्या दर्शाता है। इसलिए मेरा मानना है कि आज एक तरह से चाकू और पसली के बीच का मामला है। लेकिन सर, नंबर्स भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना लोकतंत्र में, माना ये नैतिकता एक अलग चीज है, लेकिन नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नंबर संविधान के ऊपर जाके इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर नंबर इंपॉर्टेंट होता, किसान बिल पे तो हम हार गए थे ना, फार्म लॉज पे क्यों माफी मांग करके वापस लेना पड़ा। ये ताकत होती है सड़क की, ये ताकत होती है संवैधानिक मूल्य की, कि बुलडोज करके आप बिल पास करा सकते हैं, लेकिन लोग आत्मसात कर लें इस बिल को, ये जरूरी नहीं। अमित शाह जी लोकसभा में कह रहे थे कि इस बिल के वजह से ही आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में है और उसके बाद निकल जाएगी, तो आप लोगों की कुछ ऐसी बात हुई है, चर्चा होती है? मेरा तो सीधे तौर पर मानना है कि अमित शाह जी, हम जानते थे कि संगठन का काम देखते हैं, अभी गृह मंत्री भी हैं, हालांकि मणिपुर में क्या किया सब हम देख रहे हैं, लेकिन अगर ज्योतिष भी वो हो गए हैं तो मैं समझता हूँ उनको पॉलिटिक्स छोड़ करके कहीं दड़ी बिछा करके यही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।